डिस्टेंस का है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या बोलता है। सो क्वेश्चन बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ ए विंडो ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर 100 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो। देखो एक वो इस तरह का इसका फिगर समझो समझो बन जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का है इस तरह का। जैसे खिड़की कहाँ लगता है, थोड़ा सा ऐसे स्टार्टिंग में दीवार खड़ा करना पड़ता है, इसके बाद है ना यहाँ पे विंडो खिड़की लगता है। ये हम लोग का क्या है, विंडो है, खिड़की है, ठीक, ये खिड़की है। और खिड़की के ऊपर भी, इसके बाद भी तुम लोग देखना ना कि दीवार होगा। जैसे तुम लोग अपने घर में देखो ना, जिस रूम में बैठे हुए हो ना, वहाँ देखो खिड़की होगा, दरवाजा मतलब कि विंडो होगा। विंडो देखना, नीचे दीवार है, फिर विंडो लगा हुआ होगा, और इसके बाद फिर ऊपर दीवार होगा, इस तरह का होगा। और ये जो नीचे वाला, इसे जम ये नीचे धरती से ऐसे जाके कनेक्ट होगा जमीन, इसी तरह से ना दीवार खिड़की लगा हुआ है तुम्हारे घर में, देखना सबके घर में इसी तरह से होगा, ऐसा एगो में होगा एगो में नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे फिर आगे बोलता क्या, आगे बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ ए विंडो। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फुट एंड टॉप ऑफ ए विंडो, विंडो का देखो, विंडो का फुट क्या है, फुट ये वाला है, और टॉप कौन सा, ये वाला है। तो यहाँ से हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन को, यानी कोई एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये नहीं आएगा, और यहाँ से लेंगे तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ आएगा। अभी इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला केवल खिड़की से ही मतलब है यहाँ पे। ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर, फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर, यानी इस पॉइंट से अवे फ्रॉम, सो इस पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ, फुट के साथ, यानी ये जो नीचे है फुट, इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और ये जो टॉप है, विंडो का टॉप है, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग से पूछता क्या है कि हाइट ऑफ विंडो निकाल कर बताइए। हाइट ऑफ विंडो क्या, यही वाला है ना, तो यही वाला तो हाइट निकालना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का तो क्वेश्चन है नहीं गाना, देखो कैसे बनेगा। अब बन जाएगा ना, सब लोग बना लेना, देखो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले ये बड़का ट्रेंगल ले लेना, बड़का ट्रेंगल में पूरा निकाल देना, और छोटका ट्रेंगल निकालोगे तो छोटका ट्रेंगल से ये वाला निकल जाएगा, और पूरा में से ये वाला घटा दोगे तो ऊपरी वाला निकल जाएगा अपने, ठीक। चलो और एक था तुम्हारा डाउट था, 25 नंबर ना, देखो 25 नंबर में क्या दिया हुआ है। सो बाद में भी वीडियोज देखता है लोग, तो रुको थोड़ा सॉल्यूशन कर देते हैं इसको ना, ऐसे देखना थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन उन लोग भी देख लेगा। देखो ये है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो देखो इन ट्रेंगल ए सी डी, यानी बड़ा वाला ट्रेंगल में चलते, इन ट्रेंगल ए सी डी, बड़ा वाला ट्रेंगल में हम लोग चले तो हम लोग को क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे 60 डिग्री है, यानी टेन का फार्मूला लगा, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का फार्मूला लगाते हैं। जब 10 हम लोग 30 डिग्री लगाएंगे ना, सॉरी बड़का में ये 60 डिग्री होगा ना, 10 60 डिग्री लगाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा, डी सी। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और डी सी बराबर इन्हें कितना है, 100, यानी ए सी डिवाइडेड बाई डी सी बराबर है 100। तो यहाँ से इसीलिए ए सी बराबर क्या निकलेगा, 100√3, 100√3 मीटर। चलो ये तो निकल गया यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी। अब भी चलते हैं छोटका ट्रेंगल में, छोटका ट्रेंगल में इन ट्रेंगल बी सी डी, बी सी डी में चलते हैं, तो अभी 10 30 लगाते हैं, अभी 10 30 डिग्री बराबर, अभी यहाँ से लेके यहीं तक रहेगा ना, बी सी बाई
डीसी, डीसी फिर से 100 मीटर, 100 मीटर डाल दो। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर BC/100। तो फिर से अगर यहाँ से BC निकालने की कोशिश करें तो BC बराबर क्या होगा, 100/√3। अब हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना है मेनली AB, AB मतलब कि हाइट ऑफ ये विंडो। तो AB के लिए हम लोग क्या करेंगे, AB बराबर पूरा यानी A से C तक, AB बराबर AC माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से क्या करेंगे इस BC को माइनस कर देंगे। सारा डाटा निकला हुआ है, AC बराबर क्या है, 100 √3। BC का वैल्यू कितना है, 100/√3। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा सो देख लेना, नीचे √3 LCM हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 100√3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 100 तिहाई 300 हो जाएगा। माइनस यहाँ 100 बचेगा, 300 में से 100 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 200/√3। इतना मीटर यानी जो खिड़की है वो इतना मीटर का हाइट का है, निकल गया ना। चलो अब निकालते हैं दूसरा, रुक जाना। अब देखो 25 नंबर का एक क्वेश्चन था ना, देखो 25 में क्या बोलता है, 25 में बोलता है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स थीटा, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल इज स्टैंडर्ड पोजीशन इफ पी इज ए पॉइंट ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर -5 एंड 12। देखो ए वो कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ क्या, -5 और 12, ठीक ना। ए वो कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 एंड 12। अब बोलता है ना कि इसी को यूज करके जितना भी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसका वैल्यू निकालिए। तो जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो फिक्स है कि हमको क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट। और देखो कोऑर्डिनेट में -5 और 12 दिया हुआ है, तो ये जो -5 और 12 है, वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें तो सब प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है एक्स अगर माइनस है तो वाई, यानी इसमें ही होता है माइनस प्लस, यानी ये जो पी बराबर -5 और -5 और 12 वो इसी क्वाड्रेंट में इन्हें कहीं घुसेगा। यहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं यहाँ से, तो ये ऐसे इधर घूमेगा, हम लोग ऐसे ही नहीं घूमेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब इसको इधर ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5 और 12। -5 12 कहने का मतलब कि एक्स डायरेक्शन में कितना जाएंगे हम लोग, -5 जाएंगे, और वाई डायरेक्शन में कितना जाएंगे, 12 जाएंगे। तो फिर यहाँ पे ये क्या है, ये है 0 0। पाँच 12 7 नहीं, वैसे नहीं वो ट्रिपलेट नहीं होता, 5 12 13 नहीं ट्रिपलेट बनता है, 7 कहाँ से आएगा। देखो अब ये हम लोग का, हाँ ये हम लोग का यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रेंगल का कंडीशन आप समझ ही रहे हो, सारा का वैल्यू तो यही सब निकल ही जाएगा। करना क्या है इसमें कि ये जो हाइपोटेनस है इस हाइपोटेनस को निकालो, और देखो यहाँ पे ये वाला एंगल है ये थीटा है, तो हमको ये थीटा से उतना कोई मायने नहीं रहेगा, हमको यहाँ मान लेते हैं, यहाँ एगो कोई दूसरा एंगल फाई मान लेते हैं, क्योंकि यही फाई से हम लोग काम चला लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना चाहिए सब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग फाई के साथ निकाल देंगे। तो हाइपोटेनस वाले निकालो, तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, 12 के स्क्वायर प्लस -5 के,
स्क्वायर। वैसे भी ट्रिपलेट बनता है ये 5 12 13 का, 13 के 12 के स्क्वायर 144 प्लस 25 25 25 169 बराबर 13। तो ये जो हाइपोटेनस है वो निकल गया क्या 13। अब निकाल दो यहाँ से सारा डाटा, साइन साइन 5 बराबर क्या हो जाएगा पी बटा एच यानी 12 बटा 13 हो जाएगा। कॉस 5 बराबर क्या हो जाएगा बी बटा एच यानी -5/13 -5/13। देखो क्वाड्रेंट के अनुसार भी आ रहा है वैल्यू, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव दे रहा, कॉस निगेटिव होता है तो कॉस निगेटिव दे रहा। समझो इस सब चीज़ को, एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। टेन फाइव बराबर क्या है, टेन फाइव बराबर 12 बटा -5 यानी 12 बटा -5, -5 ऊपर जाएगा यानी -12/5। इसी तरह और जो बचा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल दो, cosec 5। समझ में आया खुशबू, किसका डाउट था 13/12 cosec, समझ गया। cos के बाद sec 5 -13/5 और cot पे निकल जाएगा इधर -5/12। चलिए हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे और किसी का डाउट है कि आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं? अब हमको तो नहीं लगता है कि किसी का डाउट होगा, क्योंकि इधर बेसिक चीज था सब प्रूफ करने का। अंचल कुमारी ज्वाइन की है? डाउट ही बता रहे हैं, बोलो कौन सा डाउट है। तीन नंबर जो एग्जांपल में का क्वेश्चन है उसको थोड़ा बताइए ना, कि मतलब उसका मीनिंग क्या है, वहां पे कुछ भी समझ नहीं आया। एक तीन साइन ने इस पर 5/13 एंड थीटा लेस देन सॉरी ए लेस देन थीटा एंड ग्रेटर देन 5/2 फाइंड द रिमेनिंग रेडियस। वो ये जो 3 है वो देखो 3 में क्या दिया हुआ है, तुम इधर ही लटक लो। तुम ना पहले वाला एक बार देखना, जो फर्स्ट क्लास वाला लेक्चर है ना उस लेक्चर को देखना, कल तो भेज दिए थे ग्रुप में। देखो क्या है ना कि साइन ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 5/13 दिया हुआ है, 5/13 दिया हुआ है एंड बोलता क्या है, एंड कंडीशन दिया हुआ है, ए का कंडीशन दिया हुआ है कि ए क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन π/2। ठीक, और फिर बोलता है कि फाइंड द रिमेनिंग रेशियो, फाइंड रिमेनिंग यानी जो और बचा हुआ है ना वो हमको निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे साइन ए बराबर 5/13 है, ये तो हम लोग को दिया हुआ। और ये देखो ये कंडीशन क्या बता रहा है, ये कंडीशन फर्स्ट क्लास वाला लेक्चर देखना, क्योंकि फर्स्ट क्लास वाला लेक्चर में ही, हाँ उसी में बताए थे ये सब सारा चीज़ कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है उसको। ये देखो ये ए है वो क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जी सर हाँ बोलो, बन जाएगा बस बन जाएगा ना। क्वेश्चन सुन। और वैसे देख लो एक बार, बता ही दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है, और साइन बराबर क्या होता है यहाँ पे पी बटा एच, केवल बी निकालना था। तो ट्रिपलेट बनेगा 5 12 13, तो बी बराबर आ जाएगा 12 और एच बराबर है 13 और पी बराबर है 5। बाद बाकी अब सबका वैल्यू निकाल दो, साइन कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बी बटा एच यानी 12/13। इसी तरह का और डाटा है, सारा डाटा निकल जाएगा। और बोलो, और सर 10 नंबर देखो 10 नंबर में क्या है, ग्रुप में भी भेज दिया करो ना, और वहां से भी बना कर और भेज देगी उन लोग। देखो 10 नंबर क्या है, 10 नंबर ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बोलता क्या है ना 10 नंबर में कि द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल इज 15 डिग्री एंड देयर समेशन इज 2 रेडियन। यहाँ देखो दो तरह का क्वेश्चन है, मतलब कि बोलता है डिफरेंस बिटवीन टू एंगल, दो एंगल के बीच में, यानी एक एंगल ए ले लेते हैं और दूसरा एंगल बी ले लेते हैं, तो
तो दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतर मतलब कि माइनस, दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, अंतर दिया हुआ 15 डिग्री, ठीक। हाँ, और बोलता है ना कि दोनों के समेशन यानी दोनों का योग कितना है, 2 रेडियन, यानी अगर दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 रेडियन मिलेगा। देखो, एगो डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है, एगो रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है। फिर बोलता है क्या, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। फिर बोलता है कि हमको फिर ये दो दो एंगल है, ए है और बी है, वो दोनों अलग अलग करके हमको निकालिए, और वो भी किस चीज़ में, डिग्री में निकाल कर बताइएगा कितना डिग्री आ रहा है, ए बराबर कितना डिग्री हो रहा है और बी बराबर कितना डिग्री हो रहा है। तो करना क्या है, ए माइनस बी बराबर ये 15 डिग्री है, ये अपना उसको जस का तस छोड़ देना, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, ये जो 2 रेडियन है ना इसको डिग्री में चेंज करना है। अब रेडियन टू डिग्री भी चेंज करने के लिए फर्स्ट क्लास में बताए थे, तो वहाँ पे हाँ बताए थे कि 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर क्या होगा यहाँ पे, 180 डिग्री होगा। और अगर यहाँ पे ध्यान रखना है, एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिवाइडेड बाई पाई, इतना डिग्री हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे कितना है, 2 रेडियन है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो सर, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर, तो फाइनल में हम लोग क्या मिलेगा, 2 रेडियन बराबर 18 दूनी 36 यानी 360 डिवाइडेड बाई पाई, इतना डिग्री। तो यहाँ हमको रख देना है और क्या, और कुछ नहीं करना था। अब फिर दोनों का सॉल्यूशन कर दो। अब जैसे देखो, अब नया इक्वेशन क्या बनेगा, ए माइनस बी बराबर, एगो 15 डिग्री बना, और दूसरा क्या बना, ए प्लस बी बराबर 2 रेडियन की जगह ये वाला डाल दो, 360 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। अब सॉल्यूशन कर दो, एक बार दोनों को ऐड करो तो बी बी कैंसल आउट हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर यहाँ मिलेगा 15 डिग्री प्लस में 360 डिवाइडेड बाई पाई। अगर यहाँ से ए निकालना चाहो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी 1/2, 1/2 यहाँ से क्या निकलेगा, 360 डिवाइडेड बाई पाई, इतना डिग्री प्लस में 15 डिग्री, यही इसका आंसर कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, यही इसका सारा चीज डिग्री में। उसी तरह यहाँ एक बार अभी ऐड किए थे, सेकेंड टाइम में यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देना, घटा देना, तो फिर बी का भी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा यार। छः खत्म हो गया ना, एक्सरसाइज बना ली थी छः। हाँ बन जाएगा ना, लास्ट वाला बचा है सो। वो जो कल थ्योरी पढ़ाया ना तो उसी में था। हाँ उसी का है। और ध्यान रखना है कि एक बार में नहीं समझ में आता है ना तो रिपीट करके पूछना, और लेक्चर जो भी लेक्चर देते हैं ना, ये तुम लोग को भी ग्रुप में डाल देते हैं लेक्चर, उस लेक्चर को मिस मत करना। अगर यहाँ लाइव में थोड़ा सा क्या होता है ना कि कभी कभी नया लोग रहते हैं ना, तो लाइव में अचानक से नहीं समझ में आता है, तो तुम लोग ना एकदम घर में बैठ के और आराम से ज़रूर देखना, क्योंकि तो लेक्चर तुम लोग को सारा चीज़ हम अवेलेबल करवा रहे हैं, जितना हो सकता है उतना तुम लोग बेनिफिट उठाना। चलो 7 में घुसते हैं, 7 में बोलो किसका डाउट था। एग्जाम्पल में डाउट नहीं ना है, और तुम बनाई अंचल। अच्छा रुक जाओ, ये जो 7 है ना, 7 में ना कुछ कुछ और हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताते हैं, इसके बाद हम 7 में ना आएंगे, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट हम बताएंगे और, तो क्या है कौन, हाँ थोड़ा आप समझना, सब लोग समझना। कल जहाँ तक हम कंप्लीट किए थे ना, कल हम लोग समेशन ऑफ एंगल में थे, कंपाउंड एंगल एंड एलाइड एंगल में थे, जहाँ पे हम लोग देखे थे क्या इस तरह का डाटा देखे थे हम लोग पिछले क्लास में। बाद में भी कोई भी वीडियो देखेगा तो सीरीज से देखना, 1 2 3, यूट्यूब में भी वीडियो देखोगे तो प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, वहाँ से जाकर देख लेना, फिर हम पूरा सीरीज ही बना दे रहे हैं एक तुम लोग का, कि फ्यूचर वाले स्टूडेंट लोग आएंगे उन लोग भी अपना देख सकें।
जैसे हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, 0 डिग्री था, 90 डिग्री था, 180 डिग्री था, 270 डिग्री था, और फिर क्या था, 360 डिग्री था। इस तरह का सारा डाटा देख चुके थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज देख लिए थे, सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज, थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये सब सारा डाटा हम लोग देख चुके थे। किस पे चेंज होता है, बड़ा से बड़ा डिग्रीज का कैसे वैल्यू निकालना है, आसानी से कैसे वैल्यूज निकालना है, वो भी हम लोग देखे थे। 360 से ज़्यादा रहेगा तो, 360 से ज़्यादा रहेगा तो उसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करके काम करेंगे, फिर माइनस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा, तो सब सारा चीज़ देखे थे। इसके बाद ना हम लोगों को एक चीज़ और आता है, जैसे कि कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को दे देगा। जैसे कभी कभी हम लोगों को दे देगा ना कि 75 डिग्री का वैल्यू निकाल के बताइए, साइन 75 डिग्री का। कभी कभी बोल देगा ना कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए, मतलब इस तरह का वैल्यू हम लोगों को निकालने के लिए दे देगा। और वैसा चीज़ों का वैल्यू निकालने के लिए देगा ना, जिसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे ना, तो उस दोनों का वैल्यू हमको मालूम है। जैसे 75 डिग्री है, इसको ब्रेक करते हैं, कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, वैसा वैसा 2 डिजिट में ब्रेक करना है ना, जिस दोनों का डिजिट का वैल्यू हम लोगों को मालूम हो। जैसे 75 को अगर हम लोग तोड़ें 45 और 30 के टर्म में, तो 45 और 30 क्या होता है, 75। 45 का भी वैल्यू हम लोग को मालूम है, 30 डिग्री का भी वैल्यू मालूम है। तो अगर इस तरह का कहीं भी डाटा दे हम लोगों को, तो उसी फॉर्मेट में हम लोगों को उसको तोड़ना है, जिस फॉर्मेट में उसका वैल्यू हम लोग को मालूम है। अब जैसे देखो, यहाँ 15 डिग्री है, 15 डिग्री को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 45 में से यहाँ प्लस कर देंगे, तो 45 में से अगर हम लोग 30 माइनस करें तो 15 के पास पहुँच जाएंगे हम लोग। तो यानी जरूरी पड़ेगा तो दो एंगल को जोड़ भी सकते हैं, जरूरी पड़ेगा तो दो एंगल को माइनस भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 105 है, 105 को कैसे हम लोग तोड़ते हैं, 6 4 10, 60 प्लस 45। 60 प्लस 45 तोड़ देंगे, तो हम लोग क्या यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हम लोगों को ना ये जो एंगल है, यहाँ पे एंगल, उसको ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ए और बी के फॉर्म में। यहाँ पे क्या में फॉर्म में दे दे रहे हैं, ए और माइनस में, यानी दो जरूरी पड़ता है तो हम लोग दो एंगल को क्या करेंगे, आराम से जोड़ भी सकते हैं, जरूरी पड़ेगा तो दो एंगल को आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो यानी यहाँ से एक चीज़ पता क्या चल रहा है, जैसे ये sin 25 था, तो इस sin 25 को हम लोग कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, sin 45 प्लस 30 है, इसको हम लोग एक क्योंकि हर एक क्वेश्चन में तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका हम लोग एक जनरल फार्मूला बनाते हैं। क्या जनरल फार्मूला हम लोग को क्या हो जाएगा, sin 45 के जगह ए लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी, ये हम लोग का एक जनरल फार्मूला बनेगा। यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी हो, मतलब किसी भी टाइप का कहीं भी क्वेश्चन हो, उसमें हम लोग आराम से इस जनरल फार्मूला को अप्लाई करके उसका रिजल्ट पा सकते हैं। अब जैसे देखो, कहीं पे भी अगर मिले sin A+B मिले, तो अभी केवल फॉर्मेट बताएंगे, प्रूफ करने के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम लोग को अभी तत्काल में, क्योंकि तो प्रूफ पूछता नहीं है। अब देखो, sin A+B का क्या फॉर्मेट होता है, sin A × cos B प्लस cos A × sin B, इसको ध्यान रखना। ये देखो, ये एक जनरल फार्मूला है, अगर दो एंगल को हम लोग आपस में जोड़ेंगे साइन के साथ, तो इसका हम लोग को कौन सा फॉर्मेट में टूटता है, sin A, और स्टार्टिंग में sin A रहेगा, फिर cos B आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही होगा, और यहाँ साइन के साथ ए है तो सेकेंड बार में क्या होगा, कॉस के साथ ए होगा, जस्ट इसका उल्टा, कॉस के साथ बी है तो सेकेंड बार में क्या, साइन के साथ बी आ रहा है। तो इसी तरह से अगर दो एंगल को घटाएंगे साइन के साथ, तो सेम चीज ही आएगा, बस केवल उसका जो साइन है, ये वाला प्लस है, वहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, sin A × cos B, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा cos A × sin B। ठीक, ये हम लोग का क्या, साइन के साथ, लेकिन केवल sin 25 का ही वैल्यू नहीं पूछेगा, वो पूछ देगा ना कि cos 25 का भी वैल्यू आप निकाल के बताइए। तो अगर cos 25 यानी cos, इसका भी फॉर्मेट वही वही फॉर्मेट में टूटेगा, cos A+B, तो अगर कहीं पे हम लोग को cos A+B का भी फॉर्मेट में दे कुछ,
तो इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कौन सा फॉर्मेट में, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस, ध्यान रखना यहाँ अगर प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। हाँ, और यहाँ पे देखो अब यहाँ प्लस है तो ये माइनस का भी फॉर्मेट दे सकता है हम लोगों को, तो यहाँ दे सकते हैं हम लोग कॉस ए माइनस बी बराबर क्या डाल सकते हैं। देखो कॉस में एक चीज़ तुम लोग ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस दे तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक, और अगर यहाँ माइनस दे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, बाद बाकी सेम डाटा नीचे उतार दो, वही है इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस दे रहे हैं साइन ए इंटू साइन बी, इतना डाटा लिखो, याद रटना नहीं, तुम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना दो बार खाली अप्लाई करो ना क्वेश्चन में, तुरंत ही दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखो यहाँ साइन के साथ तो साइन 25 कॉस 25, तो ऐसा थोड़ी ना टेन के साथ काम, टेन के साथ नहीं मिलेगा, टेन के साथ भी ऐसे हो सकता है, कॉट के साथ भी हो सकता है, और डाटा के साथ भी हो सकता है, तो जहाँ पे जैसे होगा उसी के अनुसार हम लोग, जहाँ जिस तरह से बात करेगा उसी के अनुसार हम लोग भी बात करेंगे उसके साथ, जैसे डील करना है वैसे डील करो। तो ये साइन के साथ हो गया, कॉस के साथ हो गया, तो टेन के साथ भी हो सकता है, तो टेन वाला भी फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, लिखो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये सब छोटा छोटा मतलब कि याद रखोगे ना तो, और ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में ना बहुत सारा फार्मूला मिलेगा, लेकिन रटना मत, कितना रटोगे समझना, अच्छा से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से तुम लोग को समझाएं, स्टेप वाइज बता के, स्टेप मिस नहीं करें। अब देखो अगर टेन के साथ मिलेगा तो टेन का भी होता है इसी तरह का टेन ए प्लस बी, तो देखो इसको ना हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना हम तुम लोग को जब फर्स्ट क्लास दिए थे ना उसमें बताए थे कि टेन थीटा को लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लोग साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं ना, सेम चीज़ यहाँ भी वैसे ही करते हैं, टेन ए प्लस बी को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है और कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, जो डाटा अभी पढ़े वही डाटा लान के यहाँ रख दो, एकदम तुरंत आ जाएगा। हाँ पुट कर दो यहाँ पे, देखो साइन ए प्लस बी का क्या हम लोग पढ़े, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस था प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और डिवाइड कर दो यहाँ पे क्या कॉस ए प्लस बी था ना, तो क्या करो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, और देखो ऊपर और नीचे क्या करो ना कि कॉस ए इंटू कॉस बी से क्या करो डिवाइड कर दो ऊपर एंड नीचे, ऊपर और नीचे जब डिवाइड करेंगे ना तो देखना हम लोग को क्या मिलेगा, ये वाला जो टर्म है ना इस टर्म से डिवाइड करो, तो ऊपर में क्या हम लोग को मिलेगा साइन ए इंटू कॉस बी, इसको डिवाइड करते हैं किस चीज़ से, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करते हैं, इसको भी वही काम करो कॉस ए इंटू साइन बी को क्या करो डिवाइड कर दो फिर से कॉस ए इंटू कॉस बी से, नीचे भी सेम चीज़ वैसे ही करो, तो देखो इसको डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा क्योंकि दोनों तो सेम सेम कट जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, अब देखना डाटा, देखो कॉस बी से कॉस बी कैंसल आउट तो क्या मिलेगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, यानी मिलेगा टेन ए और यहाँ देखो कॉस ए इंटू कॉस बी ये कैंसल आउट, साइन बी बटा कॉस बी यानी प्लस क्या मिलेगा टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस, देखो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए यानी टेन ए बीच में मल्टीप्लाई है, साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस बी यानी टेन बी, तो हम लोगों को क्या डाटा मिलती है सो देखो टेन ए प्लस बी बराबर डाटा हम लोगों को मिलेगी टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यानी अगर टेन के साथ दो को डाटा को अगर जोड़ेंगे दो को एंगल को जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी, लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा तो नीचे माइनस रखना, ठीक, प्लस रहेगा तो नीचे क्या रखना है माइनस रखना है यहाँ पे हम लोग को, अगर यहीं पे टेन ए माइनस बी दे दे तो फिर ये टोटली डाटा चेंज हो जाएगा, अब इसको मिटा दे स्क्रीनशॉट ले ले, अब जैसे देखो अगर यहाँ पे अगर फॉर्मेट दे दे हम लोगों को टेन ए माइनस बी का फॉर्मेट, तो
सेम चीज यही रहेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दो तो क्या मिलेगा, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वन। यहाँ माइनस है, माइनस देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस डालें, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या डालेंगे, प्लस, वन प्लस टेन ए इंटू टेन, यही। तो साइन के साथ हो गया, कॉस के साथ हो गया, टेन के साथ हो गया, जरूरी पड़ेगा तो कॉट के साथ भी निकाल सकते हैं, कॉसे के साथ भी निकाल सकते हैं, अब इसी को ना अब हम लोग को अप्लाई करना होगा, तो अब लगता है ना अब तुम लोग बना लोगे, तो तुम लोग वैल्यू निकाल लेना कि साइन 15 का वैल्यू क्या होगा, ये सब काम देगा, कॉस 15 का वैल्यू क्या होगा, टेन 75 का वैल्यू क्या होगा, ये सब का वैल्यू निकाल लोगे, निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो साइन 45 माइनस 30 यानी जो साइन 15 डिग्री का, इससे कुछ वैल्यू निकलेगा, 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, क्या होगा, 2√2, नीचे एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा, √3 - 1, ये निकलेगा हम लोग का किसका वैल्यू, साइन 15 डिग्री का। तो देखो ये जो केवल हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केवल साइन 15 का ही वैल्यू नहीं है, इस साइन 15 को ना हम लोग तोड़ सकते हैं, और में वो जो था ना 0 90 ये वाला फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में इसको तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा साइन 90 - 75, 90 में से अगर 75 घटाएंगे ना तो हम लोग 15 के पास पहुँच जाएंगे, और 90 पर क्या होता है, चेंज होता है, तो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 75 डिग्री, यानी ये जो साइन 15 का ही केवल ये वैल्यू नहीं है, ये किसका वैल्यू है, ये कॉस 75 का भी, कॉस 25 डिग्री का भी यही वैल्यू है, ठीक ना। तो इस तरह से भी अब जैसे देखो ये कॉस 15 ही केवल वैल्यू नहीं, जितना कॉस 15 का वैल्यू होगा उसी के बराबर क्या होगा, साइन 75 डिग्री का भी वैल्यू होगा, और जितना भी इधर वैल्यू आएगा वो अपना इधर हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से अब देखो ये जो 10 75 है, ये 10 75 नहीं, ये कॉट 15 का भी ये वैल्यू देगा। तो इसी तरह से केवल अगर बोल दिया जाए कि साइन 15 कॉस 75 साइन 15 कॉस 75 कॉस 15 साइन 75 बोल दिया जाए ना, तो ए को वैल्यू निकाल लेना, और दूसरा उसके सहारे से जो 90 - थीटा यानी जो एक हम लोग लैंडमार्क यूज करते थे ना, लैंडमार्क के सहारे से वहाँ पहुँच जाएंगे और हम लोग उसका सहायता ले लेंगे, बस बन जाएगा। तो इस यही चीज़ हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया, एक बार मेरे को फीडबैक दो, कि किसी को कुछ डाउट है कहीं भी तो कुछ बोलना बताना। देखो कुछ कुछ ना, और कुछ कुछ इसमें फार्मूला एक दो और यूज होता है उसको, अगर कहीं पे इस तरह का भी फॉर्मेट एक आध जगह देखने को मिलेगा, साइन ए प्लस बी, ये सब फार्मूला लिख लेना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अगर कहीं भी इस तरह का फॉर्मेट मिले, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस तरह से इस फॉर्मेट में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, इसको लिख लेना, अगर कहीं पे भी साइन का साइन साइन दोनों है, एक का जोड़ रहे हैं एक घटा रहे हैं, दोनों का अगर कहीं पे मल्टीप्लीकेशन दिखे तो आराम से क्या कर देना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पे ब्रेक कर देना आ जाएगा। अब इसी तरह सेम चीज होता है कॉस के साथ, अगर कॉस कहीं पे दिखे इस तरह का, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी दिखे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक इसको भी करेंगे, कैसे, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर बी, दोनों में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसमें तो हम लोग को दोनों साइन साइन के साथ ही दे दिया डाटा, लेकिन इसमें देखना कि जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बीच में, तो एक के साथ ए लग रहा है यानी कॉस स्क्वायर ए है, लेकिन दूसरा के साथ ध्यान रखो दूसरा के साथ क्या, साइन स्क्वायर बी, तो इस चीज को गड़बड़ मत होने देना, ठीक ना, तो अगर कहीं भी दिखे इस तरह का, नहीं तो फ्लो फ्लो में मत मार देना कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक,
या नहीं तो इसको और दूसरा फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं कैसे। सो देखो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, वन वन प्लस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं हम लोग इसको, लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर बी बराबर वन माइनस, यानी हाँ ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसल आउट, तो यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी ये तो ठीक है, कॉस कॉस साइन साइन रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। चेंज आई होप चेंज करने में परेशानी नहीं हुआ होगा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन होता है, वही हम लोग किए। यहाँ माइनस था माइनस, अभी अंदर माइनस माइनस प्लस यहाँ कर दी, तो ये इसको भी इस फॉर्मेट से भी लिख सकते हो। तो ये दो फॉर्मेट याद रखना जरूरी पड़ेगा, तो कहीं भी हम लोग अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो अब था हम लोगों का यहाँ पे, अब एक्सरसाइज था, तो आई होप एक्सरसाइज तुम लोग प्रैक्टिस किया होगा। अब इसका एक्सरसाइज है, अब एक्सरसाइज में केवल वैल्यूज निकालना था, बड़ा बड़ा डाटा दिया हुआ था, डाटा का वैल्यूज निकालना। अब बताओ, अब यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट हो गया, अब बताओ कि किसी को भी एग्जाम्पल वाला में जो 7 का एग्जाम्पल, उसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं, एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक्सरसाइज बताओ, एक्सरसाइज में किसका दिक्कत था? कोमल, खुशबू कौन बोल रही थी, बोलो। सर 4 का F, G और J। 4 का F, G और J। जी वाला तो इसी फॉर्म फॉर्मूले पे जाएगा सर, जो ऊपर लिखे हैं अभी जी 4 का, अच्छा और F कॉस बाई साइन पे थोड़ना है। अच्छा 4 का ना, बोलो तो 4 का कौन वाला? अच्छा ये F, G और J, F में क्या है, देखो 1 F में है, 1 प्लस, अच्छा रुक जाना, 1 प्लस cot theta इंटू cot 2 theta है, 1 प्लस cot theta इंटू, सॉरी 1 प्लस cot theta इंटू cot 2 theta बराबर हम लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहिए, cot theta इंटू cosec 2 theta, cot theta, इसको मिटा दें, हम लोगों को चाहिए cot theta इंटू cosec 2 theta। कैसे बनाया हो, कोई बनाया हो इसको बोलो। देखो करना कैसे है इसको, 1 को 1 रहने दो, कॉट थीटा को तोड़ दो क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा में, ठीक। और इस cot 2 theta को भी क्या करो ना, उसी फॉर्मेट में तोड़ो, यानी cos 2 theta डिवाइडेड बाय sin 2 theta, ठीक ना। अब देखना, अब यहाँ पे क्या करोगे ना, ये नीचे वाला जो डाटा है ना उसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम लेने से कोई बेनिफिट होगा, देखो साइन थीटा इंटू sin 2 theta, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 से 1 ये हो जाएगा, तो मिलेगा sin theta इंटू sin 2 theta, बीच में प्लस है, प्लस रहने दो, इन्हें देखो cos theta इंटू cos 2 theta, ये देखो, तो कोई फॉर्मेट दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा होगा, देखो तो cos a, देखो हाँ देखो देखो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b का ये फॉर्मेट है, कैसे से अगर सजा के लिखने के लिए बोला जाए तो सजा के लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे, ये देखना यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी, ए की जगह थीटा और बी की जगह 2 थीटा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी बीच में प्लस है, प्लस साइन ए की जगह थीटा बी की जगह 2 थीटा, तो यानी बीच में प्लस है, तो फिक्स है कि हम लोगों को क्या मिलेगा, ये कौन सा फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है ना, ए माइनस बी का फार्मूला, तो सेम हम लोग इसी सर।
इसी फॉर्मेट में तोड़ते हैं। ए की जगह क्या है थीटा, यानी कॉस थीटा, बी की जगह क्या है टू थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे अपना लिख दो साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा। हाँ देखो देखो रुक जा, ये जो है ना इसको पहले अरेंज कर दो एक बार थोड़ा सा। देखो इसको पहले लिखते हैं, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा पहले लिखे, बीच में प्लस था प्लस रख दिए और इसको इधर ले दिए, साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा। देखो अभी ना एक फॉर्मेट बताया थे ना तुम लोगों को हम, कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो वही फॉर्मेट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, देखो ये जो थीटा है ना ये थीटा कुछ भी हो सकता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर्मेट देखो ये किस फॉर्मेट पे जाके बैठ रहा है। अभी जस्ट जस्ट बताएं तुम लोग को कॉस ए प्लस बी क्या था फॉर्मूला, देखो तो ए प्लस बी बराबर बताए थे कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस था तो यहाँ पे क्या बताए थे, अच्छा यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस लिखो सर के ए माइनस, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ बताए थे प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो तो क्या यही फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, कॉस ए के जगह थीटा दिख रहा है, बी के जगह टू थीटा दिख रहा है, साइन ए के जगह थीटा दिख रहा है, बी के जगह टू थीटा दिख रहा है प्लस, तो इसको हम लोग इसके बराबर तो ये लिख ही सकते हैं कॉस ए माइनस बी, तो लिख दे रहे हैं हम लोग कॉस ए के जगह क्या है, ए के जगह देखो यहाँ पे थीटा, ए के जगह थीटा माइनस कॉस टू, बी के जगह क्या है टू थीटा, टू थीटा हो गया, लिख सकते हैं, समझ में आया साइन थीटा बोलो रे। अब देखो यहाँ पे ऊपर देखना कॉस थीटा में से टू थीटा घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस थीटा होगा, और कॉस माइनस थीटा क्या देता है हम लोगों को प्लस में देता है कॉस थीटा, तो ऊपर से क्या मिलेगा हम लोगों को कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा, ऊपर ले जाओ हो जाएगा। अब देखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो गया कॉट थीटा हो गया, और साइन टू थीटा को हाँ, और यहाँ देखो मल्टीप्लाई वन बाई साइन टू थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक टू थीटा हो जाएगा, कॉसेक टू थीटा यही तो प्रूफ करना था, किधर था कॉट थीटा इंटू कॉसेक, समझ में आया बोलो। और कौन सा था एफ जी जी, तो यही वाला फार्मूला है रे, ये वाला फार्मूला अभी बताया ना साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये वाला फार्मूला पे नहीं बैठ रहा, देखो ए के जगह ए प्लस बी और बी के जगह ए माइनस बी आ जाएगा, बना दे बन जाएगा, और जे रुक जा अच्छा हाँ जे देख लेते हैं, जे क्या है टेन बीस प्लस टू टेन पचास, देखो क्या है जे में टेन, अच्छा मिटा देते हैं स्पेस, इसको जल्दी से खत्म करो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेन बीस डिग्री प्लस टू टेन पचास बराबर हम लोगों को मिलेगा टेन सत्तर। अरे तुम लोग ग्रुप में भेजा करो, तुम लोग बैज लो, तुम लोग का डाउट होता है तो ग्रुप में तुम लोग क्यों नहीं डालते हो, ग्रुप में तो तुम लोग को बना के कोई ना कोई भेजिए देगा। गर्ल्स लोग तुम लोग भी ग्रुप में भेजा करो, डाउट सॉल्व करो ग्रुप से। देखो यहाँ पे बीस पचास सत्तर का फॉर्मेट है ना, तो इसमें देखो मैक्सिमम कौन सा था टेन सत्तर था, तो इस टेन सत्तर को तोड़ो, टेन सत्तर डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन पचास प्लस बीस डिग्री के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पचास प्लस बीस डिग्री के फॉर्मेट में, और ये कौन सा फॉर्मेट है टेन ए प्लस बी का फॉर्मेट है,
तोड़ दो टेन ए प्लस बी के फॉर्मेट में, यानी टेन 50 प्लस टेन 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 50 इंटू टेन 20। यहाँ पे क्या मिलेगा, टेन 70 मिलेगा, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा टेन 70, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन 70 मिलेगा, बीच में माइनस है, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, टेन 70 इंटू टेन 50 इंटू टेन 20, और इसके साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन 50 प्लस टेन 20। करना कुछ नहीं है, इसको देखो, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, कैसे ये हटेगा, देखो ये बीच में ये जो टेन 70 है ना, इस टेन 70 को तोड़ो, इस टेन 70 को ऐसे ही रहने देते हैं, इस टेन 70 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, 90 में से 20 घटाएंगे तो टेन 70 के पास पहुंचेंगे, क्यों उसको तोड़े, इसका रीजन है, देखना इधर अपना टेन 50 प्लस टेन 20 रहने दो, एक स्टेप और भागते हैं, देखो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, यानी यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, कॉट 20 डिग्री, ठीक, इंटू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 20। अच्छा ये टेन 20 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन 20 डिग्री को लिख दो 1 बटा कॉट 20 डिग्री, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं, और इधर टेन 50 प्लस टेन 20 रहने दो, देखो ये कॉट 20 से ये कॉट 20 कैंसल आउट, माइनस इधर टेन 70 रहने दो, और ये सब उठा के डाटा इधर ले जाओ, तो इन्हें क्या था बचा, इधर था टेन 50 प्लस टेन 20, और यहाँ माइनस टेन 50 था, तो इस इधर ले जाएंगे तो प्लस टेन 50 हो जाएगा, देखो टेन 50 टेन 50 टू टेन 50 टेन 20 अपना टेन 20 रहेगा, यानी टेन 70 बराबर क्या मिला, टेन 20 प्लस टू टेन 50 हो गया, अब बोलो आगे। फाइव का फाइव का ई, सर ई एफ और जी। ई ए फॉर जी, ई ए फॉर जी, अरे ई ए फॉर जी का सॉल्यूशन भेज देंगे तुम लोग को ग्रुप ओके में, सर, वही बस बीच में फंस जा रहे हैं सर, बन जा रहा है बीच में फंस जा रहा है। और कोई आगे। अच्छा ये देखो सिक्स वाला बनाई थी, ये जो साइन है, सर टोटल नहीं उसका सर, ग्रिड हम देने, उसके आगे नहीं बनाए हैं, बन ही नहीं रहा है, छोड़ दिए। ओ देखो, अच्छा तुम लोग को ना हम इसका शॉर्ट सॉल्यूशन सबका प्रोवाइड करवा देंगे, तब तो बना लोगे ना, सर वो सारे देखो सेटिंग के लिए वो वाला बताइए सर, कैसे बनाए क्या नहीं बनाए नहीं। सिक्स वाला बता देते हैं, इवेल्युएट करना था ना ये, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे देखो दिया हुआ है हम लोगों को साइन स्क्वायर, देखो 37.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री, देखो तुम लोग अभी ये तो इसका एक फॉर्मेट बताया तेरे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मेट पे तोड़ दो, हो जाएगा, ऐसे इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर देखो 2 सते 37, 2 सते 14, 2 ते 6 74, अरे 75, 25/2 मिलेगा, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 दूने 14 15/2, 2 3 फॉर्मेट से तोड़ सकते हो स्क्वायर है, या नहीं तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट तोड़ सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या नहीं तो अभी जो बताए थे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, यही फॉर्मेट में तोड़, सर साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए ना, हो जाएगा वही है, 90 क्यूब हो जाएगा,
साइन स्क्वायर का है कॉमन लेंगे, देखो ना यहाँ साइन स्क्वायर थोड़ी ना कॉमन लिया जाएगा, एंगल के साथ लेगा तब ना लिया जाएगा। इसको देखो यहाँ पे लिख दो, ये ऐसे तोड़ो ना टूट जाएगा। साइन ए की जगह क्या है, ए की जगह 75/2 है, 75/2। बी की जगह क्या है, 15/2, 15/2 इंटू साइन ए माइनस बी। ए की जगह क्या है, 75/2, बी की जगह क्या है, 15/2। अब तो सॉल्यूशन कर दो, देखो 75 और 15 क्या होता है, 90। 75 और 15 90, 90 का हाफ करेंगे तो 45 साइन 40। 75 में से 15 घटाएंगे तो मिलेगा 60, 60 का हाफ करेंगे तो होगा 30 साइन 30। फिर बैठा दो, 1/√2 गुने 1/2, 1/√2 आ गया। ऐसे ही नीचे भी करो, नीचे तो सब आसान ही था, देखो 10 66 + 10 69 ये तो सीधे फॉर्मूला ही दे दिया, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, सॉरी 10a + b का फॉर्मूला। नीचे कोई भारी भरकम नहीं है तुम लोग, बना लोगे अब नीचे। अंचल कुमारी समझ में आ रहा है ना, नेक्स्ट में आते हैं ना। अब इसका प्रॉब्लम्स ऑन बोर्ड पेपर वाला भी बना लेना, कि बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ बोर्ड पेपर ये भी सॉल्यूशन कर लेना। इसके बाद फॉर्मूला फॉर सब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अब कुछ कुछ ना हम आगे बढ़ते हैं, अब 8 में घुसते हैं, 8 का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ बताते हैं। काहे कोई दिक्कत है, हाँ तो ठीक है तुम, ओ ठीक है तो तुम ये कर दो, लीव कर लेना, तो फिर तुमको फिर रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे तो वहां से भी तुम देख लेना। ठीक क्या है कि ना, थोड़ा सा सोच रहे लंबा क्लास लेने के लिए कि थोड़ा जल्दी में कुछ कुछ और बता सके, क्योंकि ये सब थोड़ा मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री उतना हार्ड टॉपिक नहीं है, खाली इसमें तुम लोग को थोड़ा सा हिंट्स देंगे ना तो तुम लोग कवर कर लोगे सारे चीज़, तो वही सोच रहे हैं कि हिंट्स दे दे के इसको ख़त्म करें। देखो अब थोड़ा सा आगे में हम लोग आते हैं, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, अभी तक हम लोग इसका देखे थे कॉस ए प्लस बी देखे, कॉस ए माइनस बी देखे, साइन ए प्लस बी देखे, साइन ए माइनस बी देखे, ऐसे करके अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग यहीं पे देखे। अब हम लोग एक्सरसाइज 8 में आते हैं, 8 में देखो हम लोग का दिया हुआ फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। अब इसमें ना कुछ कुछ डाटा हम तुम लोग को बताएंगे, क्या क्या डाटा बताएंगे सो देखो, और सब जगह यही वाला चीज वा यूज होगा। अभी जो पढ़ा है ना साइन ए माइनस बी, यहाँ माइनस डालो ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, यही सब डाटा हम लोगों को अभी जहाँ जितना आगे यूज करेंगे सारा जगह यही सब डाटा यूजेज होगा। कैसे यूज होगा सो देखो, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे ना एक नया नया चीज मिलेगा, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कॉस, मान लो कि 75 डिग्री का वैल्यू निकालें, 15 डिग्री का वैल्यू निकालें, 105 डिग्री का वैल्यू निकालें, इस तरह का वैल्यू निकाल रहे थे। अगर यहाँ पे हम लोगों को एक जेनरल दिया जाए, जैसे इस तरह का दिया जाए कॉस, मान लेते 2θ लिख दिया जाए, कॉस अगर मान लिए लिख दिया 4θ लिख दिया जाए, कॉस थीटा लिख दिया जाए, अगर इसको हम लोगों को बोला जाए कि और इसको छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करके बता, तो हम लोग इस फॉर्मेट से कैसे ब्रेक करेंगे सो देखते हैं। जैसे कि अगर कॉस थीटा दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको ए प्लस बी के फॉर्मेट में ब्रेक करो, तो कैसे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, कॉस देखो इस थीटा को ना दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, यानी थीटा का हाफ प्लस थीटा का लिख सकते हैं, यानी जब हाफ और हाफ जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, फुल मिलता है, यानी हाफ प्लस हाफ बराबर फुल। कोई लिया है बोतल, हाफ और हाफ फुल,
नहीं तुम लोग यूज नहीं करता होगा। चलो छोड़ो, देखो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस का हाफ प्लस हाफ, हाफ हाफ करोगे तो फुल हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग थीटा की जगह टू थीटा डालें तो कॉस टू थीटा को किस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं, कॉस थीटा प्लस थीटा के फॉर्मेट, यानी थीटा प्लस थीटा टू थीटा के पास पहुंच जाएंगे। अगर इसी तरह जरूरी पड़ेगा कॉस थ्री थीटा का तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, यानी दो ही पार्ट में तोड़ना, क्योंकि दो ही जानते हैं हम लोग, तीन में नहीं घुसाएंगे। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं टू थीटा प्लस थीटा। अगर जरूरी पड़ेगा कॉस फोर थीटा का तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग कॉस, या तो टू थीटा प्लस टू थीटा डाल सकते हैं या कॉस थ्री थीटा प्लस थीटा डाल सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। यहीं पे देखो यही हम सिखाने जा रहे हैं। अगर इसको हम लोग ए प्लस बी के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ए प्लस बी क्या मिलेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी होता है ना, कॉस थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, प्लस है तो बीच में माइनस होगा, क्या मिलेगा यहाँ पे साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू, क्या हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है साइन थीटा बाई टू। देखना दोनों सेम सेम है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एक चीज मिला। अब देखो अब अगर इसको हम लोग, अच्छा अभी दुई गो के बारे में बात करते हैं, अगर इसको भी हम लोग इसी तरह ब्रेक करें तो यहाँ से भी हम लोग को देखना, यहाँ से भी डाटा हम लोग को इसी तरह मिलेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक चीज यहाँ से हम लोगों को नया नया फॉर्मेट मिल रहा है कि अगर कहीं पे भी कॉस टू थीटा दिखे तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर कहीं पे कॉस थीटा दिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसी तरह कॉस के साथ है, इसी तरह साइन के साथ भी हो सकता है, साइन थीटा साइन टू थीटा, अगर साइन थीटा के साथ होगा तो इसके साथ हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, इसके साथ हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई टू इंटू, यानी इसको कैसे लिखेंगे साइन थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू, यानी हम लोग को क्या यहाँ से देखने को मिलेगा, माइक ऑफ रखना, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है प्लस रहेगा कॉस ए इंटू साइन थीटा बाई टू। यहाँ पे देखो दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है तो दोनों सेम सेम है तो ऐड कर देंगे, यानी एक और एक यहाँ क्या होगा टू साइन कॉस थीटा बाई टू, ठीक यही है। अब इसको देखो इस साइन टू थीटा को अगर चाहें तो इसी फॉर्मेट में लिखने के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं टू साइन थीटा एंड टू कॉस थीटा। यानी यहाँ ये सब मेरे को मेन बताने का मकसद क्या है कि जब हम लोगों को छोटा से छोटा डिग्री का वैल्यू निकालना हो, जैसे कि अगर कोई रेशनल में हो या कोई कोई फिर फ्रैक्शन में हो इंटीजर्स में उस तरह का रहेगा तो फिर कैसे निकालेंगे हम, तो अगर कहीं पे इस तरह का फॉर्मेट मिले कॉस टू थीटा तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ए प्लस बी, और इसका एक हम लोग का नया फॉर्मेट मिलता है ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अभी हम तरीका बता रहे थे, अब सबका डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला लिख दे, इसको लिख लेना। जैसे कि अगर कहीं पे भी मिले हम लोगों को कॉस टू थीटा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे डबल रहता है टू थीटा होता है तो यहाँ पे हाफ हाफ हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, डबल रहता है तो हाफ हाफ हो जाता है, ठीक है। या नहीं तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं और अपना इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ से एक चीज़ और हम लोग लिख सकते हैं इसको वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या तोड़े कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़े थे तो अभी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को भी एक बार तोड़ के देखते हैं, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे तो क्या होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर यानी क्या मिलेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यानी यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर कहीं पे कॉस टू थीटा मिले तो इसके बराबर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये तो जनरल फार्मूला है ही, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी तो ये लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं,
या क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये लिख सकते हैं कॉस टू थीटा के बराबर तीन। हाँ उस वो भी लिख सकते हैं, रुक जा बताएंगे उसके बाद उसका। तुम लोगों को ना जब अभी एक बार कटेगा ना तो एक बार फिर से ज्वाइन करना तुम लोग, और एक बार और तुम लोग को 40 मिनट का और टाइम है। देखो कॉस टू थीटा बराबर ये, अब यहाँ पे ना तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखो कि जब यहाँ पे टू थीटा है तो इसका हम लोग हाफ 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 लिख दे रहे हैं, तो जब टू थीटा है तो हाफ 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 हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे केवल कॉस थीटा रहेगा तो क्या करेंगे, इस थीटा का भी आधा आधा इधर कर देंगे, सेम चीज़ ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू डाल देंगे, यहाँ पे क्या डाल देंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे जितना भी दिखे उसका एकदम सीधे इधर हाफ हाफ कर देंगे। मान लेते हैं अच्छा इसको मिटाएं, ऊपर मिटाते हैं, यह जगह है कहीं इधर है। अच्छा सपोज करते हैं कि कहीं हम लोग को मिल रहा है कॉस फोर थीटा, तो कॉस फोर थीटा भी मिल रहा है, इसको भी इसी फॉर्मेट में ब्रेक करो, कैसे कॉस स्क्वायर यहाँ टू थीटा था तो उसका आधा कर दिया, यहाँ चार थीटा है तो इसका आधा करेंगे कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस बीच में माइनस है साइन स्क्वायर टू थीटा डालेंगे, कहे डालेंगे भाई, क्योंकि ये चार थीटा को हम लोग कॉस और साइन के साथ आधा आधा दोनों में बांट देते हैं, बस प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा, तो कॉस फोर थीटा को तोड़ो कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा, तो अपने समझ में आ जाएगा क्यों हुआ। तो यानी कहीं भी अगर इस तरह का फॉर्मेट दे टू थीटा थीटा टू थीटा, थ्री थीटा भी दे तो उसका भी फॉर्मेट टूटेगा, फोर थीटा दे तो इसका भी फॉर्म, तो ये सब ना कहीं कहीं बहुत जगह काम देगा। अगर कहीं देख कि कॉस एट थीटा दे तो ठीक है, दो हमको क्या फर्क पड़ता है, कॉस स्क्वायर आठ के आधा बांटेंगे चार थीटा माइनस साइन स्क्वायर आठ के फिर यहाँ पे चार थीटा बांटेंगे, चार थीटा दोनों जगह हो गया साइन स्क्वायर फोर थीटा। तो अगर कहीं भी इस तरह का फॉर्मेट दिखे तो हम लोग तोड़ सकते हैं, और केवल साइन के साथ ही नहीं होता है, सॉरी कॉस के साथ ही नहीं होगा, ये कॉस का तो ये हो गया। अब थोड़ा साइन का भी देखते हैं कि साइन का क्या खेल होता है, कहीं भी मिले इस तरह का तो जरूर ध्यान रखना है कि उसको कैसे ब्रेक करना है, हम लोगों को लिख लो स्क्रीन शॉट ले लो। सौरव राज बोलो, सोनू राज क्या, हाँ कॉस थ्री थीटा, रुक जानो वहां पे भी आएंगे, पहले अभी ये सब देख लो कॉस थ्री थीटा टू प्लस वन में कर देना थ्री थीटा को, करते हैं उसको भी करेंगे, तुम लोग भी करना, क्या बोल रहा है राइट लेफ्ट कुछ बोल रहा है, राइट साइड ज्यादा लिख दिया है सर, राइट पर रहा है, नहीं राइट साइड कहाँ कुछ ज्यादा लिखा हुआ, देखो चलो मिटा रहे हैं इसको, माइक ऑफ रखो, रोशन कुमार राही माइक ऑफ रखो। देखो कॉस के साथ था ना, अब साइन के साथ देखते हैं, देखो मान लो अगर साइन टू थीटा मिले तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर मान लो साइन थीटा मिले तो इसका देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज करते हैं, टू थीटा को हाफ हाफ दोनों जगह बांट दिए, और फिर साइन थीटा को फिर वैसे ही करेंगे टू, लेकिन टू जरूर पीछे लगाना, साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा, अगर ऐसी जरूरी पड़े साइन फोर थीटा जरूरी पड़े तो साइन फोर थीटा का डालो टू साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा, ऐसे करके जहाँ पे जिस तरह का जरूरी पड़े उस तरह से हम लोग फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। साइन टू थीटा हो गया, अगर टेन के साथ भी रहेगा तो टेन टू थीटा के साथ भी ऐसे ही करेंगे, इसको क्या करेंगे टेन थीटा प्लस थीटा में ब्रेक कर देंगे, और टेन ए प्लस बी का जानते ही हैं क्या होता है, टेन ए प्लस बी यानी टेन ए प्लस टेन बी, तो ऊपर सेम सेम रहेगा यानी ऊपर टू टेन थीटा मिलेगा,
नीचे वन माइनस टेन ए इंटू टेन भी दोनों नीचे सेम रहेगा, यानी वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम लोग जरूरी पे जहाँ जैसा जरूरी पड़ेगा उसके अनुसार हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। साइन हो गया कॉस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, ये जो साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टैन टू थीटा, ये देखो इसको एक वो हम जनरल फार्मूला सबका लिख दे रहे हैं, सब तुम लोग लिख लेना। एक बच रहा है साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा, उसको तुम लोग भी ब्रेक करके तोड़ना ना, थोड़ा खुद से भी मेहनत कर। क्या हाफ टेन टेन वाला फॉर्मेट लिख दे रहे हैं देखो। माइक ऑफ करके रखो। देखो साइन टू थीटा बराबर हम लोग क्या देखें, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देखें, ठीक ना। देखो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या है, वन है ना, वन रहता है इसके नीचे, और इसके नीचे वन है ना, तो इसको वन बराबर हम लोग एक यूज कर सकते हैं क्या, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वन के बराबर हम लोग यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। अब देखो ऊपर नीचे क्या करो ना, ऊपर नीचे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या डाटा हम लोग को मिलता है, देखो ये एगो कॉस से एगो कॉस खत्म, तो बचा क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी हम लोगों को क्या मिलेगा, टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस वन। यानी हम लोग को और क्या क्या डाटा मिल, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, साइन टू थीटा ना, तो देखो साइन टू थीटा बराबर हम लोग को क्या क्या डाटा मिला, साइन टू थीटा बराबर जरूरी पड़ेगा तो हम लोग टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी यूज करेंगे, जरूरी पड़ेगा तो टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी जरूरी यूज कर लेंगे, यानी इसको वन को पहले लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, यानी जरूरी पड़ेगा तो हम लोग दोनों यूज कर सकते। तो एक ये डाटा लिखो, ये वाला मेन फॉर्मूला। अगर इसी तरह कॉस टू थीटा के साथ भी होता है उसको भी बता दे, इसको मिटाएं इसको, ले लो स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो इसी तरह कॉस के साथ भी होता है, यानी कॉस अगर टू थीटा रहेगा इसका, तो वैसे भी ढेरे मानी फार्मूला बन जा रहा है। पहला क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहला बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बन रहा है, तीसरा क्या बन रहा है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है हम लोगों को। इतना सारा चीज इसका बना, तीन को फॉर्मेट। इसके अलावा भी इस कॉस को अगर टेन के फॉर्मेट में लिखना है तो टेन के फॉर्मेट में भी इसको हमको लिख सकते हैं। कैसे, देखो टेन के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, देखो कॉस टू थीटा बराबर ये डाटा मिला था ना हम लोगों को, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से नीचे कुछ नहीं है तो वन है, और वन है, वन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे वन बराबर वही वाला डाटा भी यूज करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से ऊपर नीचे क्या करेंगे, फिर से कॉस स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे, तो फिर से कॉस स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ तो वन मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा हम लोगों को, टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर की जगह फिर से वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा को फिर यहाँ पे लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस टू थीटा बराबर एक और क्या फार्मूला निकल गया हम लोगों को, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जैसे जरूरी पड़ेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। देख लो कॉस टू थीटा बराबर ये सारा चीज, साइन टू थीटा बराबर ये दोनों, और ये तो प्रोसेस है, इसको मिटा देते हैं। कैसे बना सो, नीचे खाली यूज कर देना था, नीचे क्या नहीं है बस। और अगर कहीं पे मिलेगा टेन टू थीटा तो टेन टू थीटा बराबर क्या हम लोग लिखते हैं, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
ये हम लोग का टेन वाला टेन के फॉर्मेट में। तो यहां तक तीनों समझ में आया, तीनों फॉर्मूला अच्छा से। चलो रुको, अभी थ्री थीटा वाला रुक जाओ, थ्री थीटा वाला बनाना ना तुम लोग खुद से, थ्री थीटा वाला प्रूफ कहाँ करना लिख देना है। अभी फॉर्मेट बताते हैं इसका, किस तरह से क्वेश्चन इसमें तुम लोग को मिलेगा। देखो सबसे पहला तो तुम लोग को फॉर्मूला चेक करने के लिए बोलेगा, बोलेगा ना कि फर्स्ट में बोलेगा कि ए बराबर कुछ दे देगा 30 डिग्री, और बोलेगा कि वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए। तो क्या ये फार्मूला सही है, टेन टू ए बराबर टू टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या ये फार्मूला सही है ये चेक करने के लिए सबसे पहले देखना। सबसे पहले ये देगा चेक करने के लिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे, एल एच एस और आर एच एस दोनों साइड ए का वैल्यू पुट करेंगे, देख रहे हैं कि अगर एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया तो फार्मूला वेरीफाइड है। एक इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग को फर्स्ट। सेकेंड किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, सेकेंड इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कुछ वैल्यू दे देगा, जैसे दे देगा साइन का वैल्यू दे देगा, साइन थीटा बराबर 0.4 का कोई वैल्यू दे देगा, और बोलेगा ना यहीं पे कि बोलेगा इसके साथ फिर बोलेगा कि कॉस 3 थीटा का वैल्यू निकाल के बताइए, कॉस 2 थीटा का वैल्यू निकालिए, साइन 3 थीटा का वैल्यू निकालिए, ऐसे करके वैल्यू निकालने के लिए देगा। तो यहाँ 0.4 में जहाँ पे भी दिखे ना उसको आराम से किस चीज़ में फ्रैक्शन में तोड़ देना, फ्रैक्शन यानी भिन्न में। इसको क्या लिखेंगे, 4/10, 2 × 4 = 25, यानी 2/5 के फॉर्मेट में लिख के जो भी इधर पूछे उसके अनुसार आराम से ब्रेक करके लिख देना। सेकेंड टाइप का इस तरह से देगा तुम लोग, और फिर तुम लोग का बुक अपना देखना, बुक खोल के वहाँ पे भी सारा चीज है। तो फिर इतना तो हो गया, अब एक बार ना टेन थ्री थीटा वाला भी देख ही लेते हैं, इसके बाद तुम लोग अपना बुक से प्रैक्टिस करना, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग डाउट जो भी होगा डाउट सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन कोशिश करना बन जाएगा, ज़्यादा भारी भारी नहीं है, क्योंकि जिसको फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया वो अप्लाई भी अच्छे से कर लेगा क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। अब देखो टेन थ्री थीटा वाला देखते हैं, थीटा देख लिए, टू थीटा देख लिए, अब थ्री थीटा देखते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं साइन थ्री थीटा कहीं पे दिख रहा है, तो इसको देखो साइन थ्री थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा प्लस टू थीटा का फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो इसको ना ए प्लस बी के फॉर्मेट में ब्रेक करो, डायरेक्ट हम ब्रेक कर, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग ब्रेक करेगा या फिर हम ब्रेक कर दें। अच्छा ठीक, ये को कर दे रहे हैं, बाद बाकी तुम लोग कर लेना। साइन थीटा प्लस टू थीटा इसको क्या लिख देंगे हम लोग, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए थीटा, एक जगह थीटा कॉस ए इंटू साइन टू थीटा, इतना ही रहने देते हैं। अब देखो इसको ना और छोटा से छोटा में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, यानी साइन थ्री थीटा रहेगा ना, तो उसको कोशिश करो ना कि साइन के ही फॉर्मेट में ले आए, तो साइन के फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा रहने दो। देखो कॉस टू थीटा का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं आराम से, कॉस थीटा है उसको रहने दो ऐसे ही कॉस थीटा, साइन टू थीटा का भी वैल्यू अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ना ये जो साइन थीटा रहने, अच्छा ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको ना हो सके तो साइन के फॉर्म में, या नहीं तो डायरेक्ट कॉस टू थीटा बराबर साइन वाला भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज कर सकते थे, अब किए नहीं तो तोड़ देते हैं यहीं पे, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर माइनस यानी वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते, डायरेक्ट यहीं से लिख सकते थे कॉस टू थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन एक स्टेप यहाँ पे ज़्यादा हो गया। प्लस ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे टू मिलेगा, साइन थीटा अकेले बच जाएगा, और यहाँ कॉस थीटा मिल के क्या बना देगा, कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा। मल्टीप्लाई करो साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा मिलेगा, प्लस में यहाँ देखो टू साइन थीटा रहने दो,
कोशिश करो ना कि इस कॉस को भी साइन के फॉर्मेट में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कर लेते। अब देखो सबको तोड़ दो, वन माइनस साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा प्लस, यहाँ पे क्या मिलेगा, टू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस यानी टू साइन क्यूब थीटा। देखो तो देखो टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या मिला, थ्री साइन थीटा माइनस 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 दो दो चार साइन क्यूब थीटा। यानी क्या फार्मूला मिलेगा हम लोगों को, अगर कहीं पे भी दिखे साइन थ्री थीटा बराबर, तो क्या हम लोग को फार्मूला मिलेगा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ये साइन थ्री थीटा का फार्मूला। इसी तरह कॉस का तुम लोग प्रूफ कर लेना, अगर कहीं पे भी कॉस थ्री थीटा दिखे तो उसका क्या होता है, पहले ही हो जाता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ये कॉस का फार्मूला, तो इसका तुम लोग इसी तरह का से प्रूफ कर लेना। एक और होता है टैन वाला होता है, तो उसको भी लिख दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो, मिटाएंगे, टैन वाला भी लिख दे रहे हैं। टैन का क्या होता है, टैन को भी वैसे ही तोड़ना, कॉस को भी ऐसे ही तोड़ोगे, कॉस थीटा प्लस टू थीटा का फॉर्मेट में, तो फिर वो भी ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा। अगर हम लोग को टैन थ्री थीटा देखने के लिए मिले, टैन थ्री थीटा का क्या था फॉर्मूला, थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा, ये होता है टैन थ्री थीटा का फॉर्मूला। इसको भी ब्रेक करना है तो ऐसे ही ब्रेक करना, टैन थीटा प्लस टू थीटा का फॉर्मेट में आ जाएगा सब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलो, किसी को कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, ठीक है, बाय।